दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल किए गए हैं और उस फेरबदल के साथ ही मौजूदा मंत्री आतिशी का जो पोर्टफोलियो है उसे देखते हुए वो दिल्ली सरकार कैबिनेट में दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि आतिशी पहले से ही शिक्षा से लेकर बिजली, PWD जैसे 10 अहम विभागों को देख रही थी, लेकिन अब कुछ और भारी भरकम विभागों को उनके पोर्टफोलियो में जोड़ दिया गया। बात करें मसलन हम तो फाइनेंस, रेवेन्यू प्लानिंग, तमाम ऐसे जो भारी भरकम कई मंत्रालय थे, विभाग थे, उनकी जिम्मेदारी भी आतिशी को दे दी गई है, जिसके बाद अब उनकी जो पोजीशन है वो दिल्ली की कैबिनेट सरकार जो है, दिल्ली सरकार, उसमें नंबर दो मानी जा रही है। आपको बता दें कि जो विभाग हैं ये इससे पहले कैलाश गहलोत के पास थे। अब की अगर हम बात करें तो कैलाश गहलोत के पास से विभाग जाने के बाद ट्रांसपोर्ट विभाग उनके पास है, उसके समेत तकरीबन 5 विभाग जो हैं वो उनके पास अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर देखें तो सौरभ भारद्वाज और राजकुमार आनंद जो हैं उनके पास फिलहाल 7 विभाग अभी भी उनके पास मौजूद हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें तो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर इमरान हुसैन के पास अभी भी 2 विभाग हैं। तो ये बड़ा फेरबदल किया गया है और आपको बता दें कि इससे पहले जो फेरबदल किया गया था उसकी नौबत तब आई थी जब सतीन जैन को जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद 26 फरवरी को दिल्ली के आबकारी मामले में CBI ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, हालांकि उनको भी बाद में ईडी ने गिरफ्तार किया था। और उसके बाद 2 मनोही मंत्रियों ने इस्तीफा दिए थे, इसके बाद 2 नए मंत्रियों को शामिल किया गया जिसमें सौरभ भारद्वाज और साथ ही साथ आतिशी दोनों को ये जिम्मेदारियां बांटी गई थी। लेकिन हाल ही में फिर से एक बार फेरबदल किया गया है और देखें तो एक दिन पहले ये भी खबर आई थी कि जो इस बदलाव की प्रस्ताव की फाइल है वो LG के पास 4 दिन से अटकी पड़ी है। हालांकि जो LG हैं, उपराज्यपाल हैं, उनके सचिवालय की तरफ से ये स्पष्टीकरण भी आया कि फाइल जो है वो साइन करके हमने भेज दी है। बहरहाल शनिवार को ये फाइल वापस दिल्ली सरकार के पास पहुंच गई, जिसके बाद ये बदलाव लागू हो गए हैं। और इस बदलाव का लब्बोलुभाव हम निकालें तो यही है कि मौजूदा अरविंद केजरीवाल सरकार जो कैबिनेट है उसमें आतिशी नंबर 2 पर पहुँच गई हैं। और आपको बता दें कि ये इकलौती महिला मंत्री हैं जो कि अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में शामिल है। अपने वीडियो सहयोगी विजय मुमी के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 दिल्ली NCR।